शुक्रवार को सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के परिणाम घोषित कर दिए हैं, जिसमें भगवानपुर रेवा रोड स्थित एपीएस फिजिक्स क्लास के बच्चों ने सबसे बेहतरीन परिणाम लाकर अपना परचम लहराया है। इस बार के 12वीं के परिणाम की बात करें तो 95% विवेक, 93% अमन, 90% खुशबू भारती, 91% सुकन्या एवं इनके 50% बच्चों का अंक 50% से ऊपर है। बाकी सभी बच्चों ने 80 से 90% के बीच अंक लाकर एक अलग मुकाम हासिल किया है। जेई मेंस में अमन ठाकुर ने 93% लाकर संस्थान के साथ साथ अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। एपीएस फिजिक्स क्लासेस में जेई मेंस और नीट एग्जाम के लिए अलग से बैच बनाए गए हैं। संस्थान के संस्थापक अमन प्रताप सिंह फिजिक्स की क्लास लेते हैं। वही मंजेश कुमार केमिस्ट्री, राहुल शर्मा मैथ्स और अयान खान बायोलॉजी पढ़ाते हैं। वहीं सुमित कुमार अंग्रेजी विषय को देखते हैं। संस्थान की तरफ से बच्चों को रोज टॉपिक वाइज डीपीपी दिया जाता है एवं उनके जो समस्याएं होती हैं उनका हर रोज निवारण किया जाता है। यही सब कारण है कि बेहतर परिणाम लाने के लिए शहर में सबसे आगे एपीएस फिजिक्स क्लासेस तैयार रहता है। स्नेहा पांडे है, हम एपीएस फिजिक्स क्लासेस के स्टूडेंट है। हम एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए यही बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे फुल सपोर्ट है टीचर्स का। वो आपको टाइम टू टाइम डीपीपी, मॉडल पेपर और जो भी आपको प्रॉब्लम है वो आप एट अ टाइम, आप जब पूछो आपको उस चीज़ का सॉल्यूशन उस टाइम मिल जाता है। आप या घर पे हो या क्लासेस में, आपको जब जिस चीज़ की ज़रूरत हो या जिस चीज़ में डाउट हो वो चीज़ सर क्लियर कर देते हैं। और हमारे तीनों टीचर्स अमन सर, मंजीश सर और राहुल सर तीनों बहुत अच्छे हैं और हम मतलब सारे बच्चों को कंप्लीट सपोर्ट देते हैं हर सब्जेक्ट्स में। तो हम सबको यही बोलना चाहेंगे कि अगर आपको 10th हो या 12th हो, आपको किसी भी बोर्ड में अगर बहुत एकदम अच्छा परसेंटेज चाहिए तो आप एक बार एपीएस फिजिक्स क्लासेस को ज़रूर ज्वाइन करो। वहाँ आपको अच्छा टीचर, अच्छा माहौल पढ़ाई का, सब कुछ मिलेगा। मेरा नाम सफदर मुस्तफा। प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी थी और 6 to 7 hours डेली पढ़ाई करते थे। उसमें हमारे अमन सर का, राहुल सर का और मंजे सर का बहुत सहयोग रहा है। कोचिंग आते थे, जो भी डाउट्स हमारा होता था वो सर लोग क्लियर कराते थे। चाहे आप जिस भी टाइम, अगर आप घर पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम है, आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, उस टाइम भी आपका डाउट क्लियर हो जाता है। सर लोग मतलब मॉड्यूल पेपर, सैम्पल पेपर वगैरह भी खुद से देते थे, आप सॉल्व करो। कोरोना में जूम पे भी हमारा क्लास हुआ था और ऑनलाइन क्लास हुआ था, और फिर उसके बाद आपका फिर जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ फिर ऑफलाइन तुरंत स्टार्ट हो गया। दूसरे बच्चों को मैसेज यही देना चाहूँगा कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करो अपने एग्ज़ाम को लेकर, और आपको मेहनत करना पड़ेगा 6 to 7 hours कम से कम। आपको अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी, और आप एपीएस फिजिक्स क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो बेहतर रिजल्ट के लिए। कंसिस्टेंसी के साथ एपीएस फिजिक्स क्लासेस में पढ़े हैं, और तीनों हमारे जो तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो टीचर हैं बहुत अच्छे हैं, और डाउट सेशन जो है वो हमेशा रहता है, जब मन करता था तब पूछ लेते थे, और टेस्ट जो है वो वीक में मतलब मंडे को होता था हमेशा, और क्लास के बाद 15 मिनट डाउट ही सॉल्विंग होता है। और मतलब बच्चे को मतलब ये पहले तो डाउट जो पढ़ाया जाता है एकदम अच्छे से, फिर होमवर्क दिया जाता है मतलब डीपीपी के साथ दिया जाता है, और अगले दिन उसका डाउट सॉल्विंग होता है। फिर कोई किसी बच्चों को नहीं समझ में आया तो फिर 15 मिनट क्लास के बाद दिया जाता है। फिर ऑनलाइन सपोर्ट भी है, कोविड में जो जैसे रहा था 3-4 महीना बहुत अच्छा से चला था। हमारे बच्चे कल सीबीएसई 12th, सीबीएसई 10th में मेरी जो उम्मीद थी उस उम्मीद पे खड़े उतरे हैं। 97% तक 10th में और 12th में बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन 95% तक अचीवमेंट लाया। अकेले मेरे बस की बात नहीं थी, मेरे साथ जो भी टीचर्स हैं केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स के, उन लोगों का 100% सपोर्ट रहा, और प्लस स्टूडेंट जो हैं वेल डिसिप्लिन और डेडिकेटेड थे। क्योंकि क्या है ना कि आप पढ़ाओ, किसी को भी पढ़ाओ,
तो सबका रिजल्ट अच्छा नहीं आता। तो पढ़ाने के लिए तो सबको पढ़ाया जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स मुझे मिले वो काफ़ी डेडिकेटेड थे, पैसनेटेड थे। जेईई मेंस में भी स्कोर किया उन्होंने और बोर्ड्स में तो मतलब गजब का, उसको कहा नहीं जा सकता है, तो अच्छा रहा। और बाकी स्टूडेंट्स को हम यही बोलना चाहेंगे कि आप कहीं भी पढ़ रहे हो, अच्छे से मन लगा के टीचर्स के साथ कोऑपरेट करो, और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो बिना समय गंवाए जुड़ो और अपने रिजल्ट्स को सुनिश्चित कर लो, चाहे वो बोर्ड हो या जेईई मेंस हो या नीट हो, हम हर जगह हैं। बाकी कोचिंग्स का तो कुछ खासा नॉलेज नहीं, लेकिन हम अपने बारे में ये बता सकते हैं कि मंडे के मंडे रेगुलर टेस्ट लेते हैं, संडे को डाउट्स होता है, डाउट सेशन संडे के दिन रखते हैं, रेगुलर TPPs जो होते हैं टॉपिक वाइज देते हैं, जो भी टॉपिक होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, और बच्चे का जो लेवल होता है हमेशा उस लेवल को उठा करके उस लेवल के ऊपर देते हैं, कि मतलब उनको प्रॉब्लम होना चाहिए और प्रॉब्लम पूछने के लिए मजबूर कर देते थे उनको। तो बस यही सब करता हूँ, एक्स्ट्रा में अलग से टाइम टू टाइम मोटिवेशन देना पड़ता है उनको, क्योंकि थोड़ा सा उनका जब भी स्लो होता है, स्पीड कम होता है, तो मोटिवेशन चाहिए होता है।